अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर व्लॉग। तो आज है ईद का दूसरा दिन और जिस तरीके से आपको पता है कि ईद के दूसरे दिन होती है दावत, तो खैर हमारे घर पे हमारी दावत थी खुद की। और सुबह उठते के साथ मैंने अपने कबूतर को दिया दाना, क्योंकि यार इसका ख्याल रखना भी ज़रूरी है ईद के अंदर, इसको ना भूल जाए। तो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी नुमा पुलाव, जो कि हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। वाइट पुलाव कोई इतना शौक से खाता नहीं है, तो आज मैंने बनाया है बीफ पुलाव, बीफ यखनी पुलाव। उसके बाद जो है मैं जल्दी से रेडी हो गई, मुझे जाना है एक जगह गेट टुगेदर के लिए मेरे फ्रेंड के साथ। तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ, थोड़ी कैजुअल मैंने ड्रेसिंग की है, क्योंकि यार बाहर आउटिंग पे जाओ तो ज़्यादा मैं चमकदमक वाले कपड़े नहीं पहनती, तो मैंने नॉर्मली जीन शर्ट के साथ एक कैजुअल ड्रेसिंग की है। और जल्दी से हम तैयार होते हैं और मिलते हैं आपसे अपने वेन्यू पर। तो नहीं जी, मैं आ गई हूँ अपने वेन्यू पे, फाइनली बहुत ख्वारी के बाद आ गया है मेरा वेन्यू। तो आप बताएं मैं कहाँ पर आई हूँ। खैर आप लोगों को इतना मालूम नहीं होगा, क्योंकि रिसेंटली ओपन होने वाला एक प्लेस है जो है नॉर्थविल के नाम से। तो यहाँ पर एक डिफरेंट किस्म की फूड डिशेज बनाई गई हैं, एक प्यारा सा माहौल है, क्यूट सा। मुझे इस तरह से रूफ टॉप का माहौल बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि यार यहाँ पर एक अलग ही वाइब आती है जो किसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं आती, रूफ टॉप पर आती। तो बस मुझे रूफ टॉप पर बैठना वैसे ही बहुत पसंद है, मैं ऐसी जगह ढूंढती रहती हूँ जहाँ रूफ टॉप हो। है तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर किया है जूस मिल्क शेक सॉरी। और यहाँ पर जो है मेरी कुछ तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मैं कुछ खा नहीं सकी। बाकी मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो एक फूड रिव्यू भी आपको करके दिखाऊंगी, जो कि मैंने अभी नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो ये पेशेंट ठीक नहीं था। खैर यहाँ पर जो है मैं अपने शिशके मार रही हूँ, पिक्चर वगैरह कैप्चर कराई मैंने जल्दी से, और बहुत चिल मारा, बहुत अच्छा माहौल था। एक दो घंटे कैसे कुछ भी पता नहीं लगा, मज़े का है। और जो है मतलब बहुत यूनिक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग हो जाती है, तो बहुत खूबसूरत वाइप आती है यहाँ की। खैर यहाँ पर एक एसी वाला एरिया भी है, मतलब एक फूड कार्ट है एसी वाला भी, तो जिन लोगों को कॉन्शियस लोग हैं वो लोग वहाँ जाके बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं खुद हूँ, मुझे ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, तो मैं वहाँ जाके बैठी। और यहाँ पर एक ऑटो और बाइक भी मुझे दिखी, तो जहाँ मैंने पिक्चर कैप्चर नहीं कराई, तो मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ पर प्रॉपर एक व्लॉग बनाऊंगी और प्रॉपर जो है आपको विजिट कराऊंगी इस जगह का। बाकी मैंने जूस का एक रिव्यू देना था, जो मैंने मिल्क शेक पिया बिल्कुल भी डिजर्विंग नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब ऐनी था, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। 260 या 70 कोई इसके रैंडम प्राइस से, बट मुझे आई कांट कि मैं इसको पीऊँ, लेकिन बट मैंने पी लिया यार, चलो पैसों का तो। लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, यहाँ की थोड़ी फूड क्वालिटी में मुझे डाउट है, तो इसलिए मैं नेक्स्ट टाइम जो है फूड रिव्यू करके आपको बताऊँगी। बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ज़्यादा अच्छा नहीं रखा है गोलगप्पे, गोलगप्पे थे बहुत मज़े के, क्योंकि मुझे वहाँ के गोलगप्पे समझ नहीं आ रहे थे, लोगों ने देखा था खाते हुए, तो मैंने कहा बाहर से खाते हैं, इधर की मशहूर शॉप से निकाले गोलगप्पे। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।